प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कामाख्या मंदिर के ऐसे रहस्य जिसे सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसी जगह है जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी या नीलाचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि के लिए प्रमुख स्थल माना जाता है। अभी कामाख्या मंदिर का अंबुबासी मेला है। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि सती देवी का योनि भाग यहीं पे गिरा था। यही वजह है कि मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वतः त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अथवा तांडव किया था, साथ में पूरी धुरी या पूरी धारा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान महाविष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरा था। कामागिरी वह जगह है जहां देवी की योनि भाग गिरा था। यह भी कहा जाता है कि सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। अब हम आते हैं मूल कहानी पर। तांत्रिकों को देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नव वधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। काली और त्रिपुरा सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। अब हम आते हैं उसके दूसरे भाग पर, पूजा का जो उद्देश्य है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर हो जाती है। फिर समस्त रचना की उत्पत्ति। महिला योनि को जीवन के प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना जाता है। फिर रजस्वला देवी। माना जाता है कि लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है जब उनका मासिक होता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल अंबुबाची मेला के दौरान पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी की मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद रूप में लेने के लिए पहुंचते हैं। अब हम आते हैं जन क्षमता का पर्व। तो अंबुवासी या अंबुवाचा मेला को आम तौर पर तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में माना जाता है। अंबुवाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और वाची शब्द से हुआ है। अंबु का अर्थ होता है पानी, जबकि वाची का अर्थ होता है उत्प्रफुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसे इसके पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले चीज पर, वह है तंत्र सिद्धि और तंत्र विद्या का स्थल। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है। अंबुवाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तांत्रिक शक्ति ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोग को वरदान अर्पित करते हैं और साथ साथ जरूरतमंदों को मदद भी करते हैं। फिर तंत्र की उत्पत्ति। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने अपना माथा नहीं टेके। अब हम आते हैं अगले रहस्य के ऊपर, तंत्र विद्या, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु
चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं, हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करते हैं। अब हम आते हैं अगले रहस्य के ऊपर, पशुओं की बलि। बकरे और भैंस की बलि यहाँ आम बात है, हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कन्या पूजा और भंडारा के जरिए भी कामाख्या माता को प्रसन्न किया जाता है। अब हम आते हैं उसकी अगले रहस्य के ऊपर, काला जादू और श्राप से छुटकारा। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोड़ी और साधु के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। फिर है दस महाविद्या कहा जाता है। मंदिर, मुख्य मंदिर जहाँ कामाख्या माता का समर्पित है, वहीं यहाँ मंदिरों का एक परिसर भी है जो दस महाविद्याओं को समर्पित है। ये महाविद्या है मातंगी, कामला, भैरवी, काली, धुमावती, त्रिपुरा, सुंदरी, तारा, बगुलामुखी, छिन्नमस्तका और भुवनेश्वरी। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह जगह प्रचीर खासी थी और यहाँ बलि दी जाती थी। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच एक पतली लकीर अपना वजूद खो देती है, यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।